मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूँ कि दिस इज द री इंट्रोडक्शन ऑफ जॉनी अब्राहम, शूट आउट एट वडाला. एक एक्टर के लाइफ स्पैन में भी एक प्रोग्रेशन हो चुका है इस रोल के साथ. फाइनली तो ऑडियंस ही बताएगी कि हमने काम अच्छा कराया कि नहीं, बट वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड. मानिया सुर्वे के बारे में, इनफैक्ट हमारे सेट पे हुसैन जैदी थे जिन्होंने डोंगरी तो दुबई लिखी थी, एंड ही गाइडेड अस अ लॉट. मानिया सुर्वे के दो ही फाइल फोटोग्राफ्स है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक एनकाउंटर के बाद. जो हम सीख सके उस फोटोग्राफ से हमने देख लिया इन टर्म्स ऑफ लुक्स एक्सेट्रा. हमारी बातचीत इसाक भगवान से हुई जो अनिल कपूर निभा रहे वो कैरेक्टर, और उन्होंने मानिया सुर्वे के बारे में बहुत कुछ बताया. हमने बहुत रिसर्च करा इस पे और मानिया सुर्वे वो एक मुंबई श्री था फॉर एग्जाम्पल. वो एक बॉडी बिल्डर था, बहुत ही रूथलेस था. उनके कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके क्लासमेट से हम लोग मिले और सब लोग ने कहा कि उस वक्त पे जब 1979 to 1982 व्हेन ही रूल्ड बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे था, ही डिड नॉट इवन स्पेयर हिज क्लासमेट्स. मतलब इतना रूथलेस था. और ये फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म में हमने कोई गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं किया है. वी आर शोर मानिया सुर्वे एज अ गैंगस्टर एंड ही विल ऑलवेज रिमेन अ गैंगस्टर. ये बहुत ही एक ट्रू टू लाइफ स्टोरी है. और इंग्लिश में कहावत है कि फैक्ट इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, एंड आई थिंक द सेम होल्ड्स फॉर मानिया सुर्वे. वो उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. द डिफरेंस विद दिस फिल्म इज घायल के बाद, यू नो, दिस फिल्म हैज गॉट रियल रॉ एक्शन, एंड दैट्स वॉट मेक्स मानिया सुर्वे अ रियल मैन.